नमस्कार एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में वृक्षारोपण अभियान में पशु चिकित्सालय परिसर और सुभाष चौक में विश्वविद्यालय मार्ग पर किया वृक्षारोपण। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर सिंह भी शामिल। और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से कैनो स्लॉलम वर्ल्ड कप में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के विजेता खिलाड़ियों ने की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में घटित घटनाओं की मीडिया ब्रीफिंग प्रतिदिन 4 बजे की जाए। मीडिया ब्रीफिंग का दायित्व पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता मकरन देउस्कर को सौंपा गया है। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी थानों पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक ली जाए। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि प्रदेश की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में लगातार देश प्रदेश और अकादमी का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की चंपा मौर्य और प्रिंस परमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड रैंकिंग में चौथा स्थान अर्जित कर इतिहास रचा है। उन्होंने आज टीटी नगर स्टेडियम में चौक रिपब्लिक के प्राग में आयोजित कैनो स्लॉलम वर्ल्ड कप में चौथा स्थान प्राप्त कर लौटे मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। पर्यावरण संरक्षण एवं धरती को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से रीवा जिले में भी वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। सांसद जनार्दन मिश्रा और महापौर ममता गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे और इन्होंने भी पौधे लगाए। लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने प्रदेश में विभागीय सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 309 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें 1200 किलोमीटर लंबाई की कुल 369 सड़कों का निर्माण होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों का देखते रहिए। नमस्कार।